आइए आज हम इस वीडियो में माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की ओर से जारी कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा 2020-21 का गणित का पेपर हल करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी आपको आंसर बता देता हूँ। इसमें बी वाला करेक्ट है ना, एस बराबर, फिर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, सी वाला 6a² है ना। फिर देखिए थर्ड में, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें आ जाएगा डी वाला 2πr². और फोर्थ में, सभी प्रक्षणों का योग बटे प्रक्षणों की कुल संख्या बराबर क्या होता है इसका, माध्य है ना। और सबसे अधिक बार आने वाले प्रक्षक को क्या कहते हैं, तो इसको बहुलक कहते हैं ना, ये बी वाला सही है। ठीक है, इसी प्रकार सेम इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी भी यहाँ पर लगा सकते हैं ना, मैं केवल हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थियों के लिए लगा देता हूँ, आप साथ साथ में इंग्लिश मीडियम वाले भी लगाते जाना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ना। तो 1/3 इसके बराबर में देखिए यहाँ पर दो अंक दे रखे हैं आपको, 2/6 ना, ये यहाँ पर 2 सही रहेगा, ठीक है 3 नहीं रहेगा, क्योंकि 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 वापस इसके इक्वल टू आ जाएगा ना। फिर 4 को इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2.5 या 25, तो यहाँ पर 25 सही रहेगा है ना। फिर सभी प्रायिकताओं का योगफल, देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं 0 होगा कि 1 होगा, तो सभी का योग कितना होता है, 1 होता है। फिर तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोणों को क्रमागत कहा जाता है, तो सह अंत कोण और बाह्य कोण, तो इसमें ये वाला सही है, सह अंत कोण है ना, ये यहाँ पर लिखिएगा आप। फिर किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, तो देखिए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 डिग्री का है ना, और इसमें लिखिएगा संत कोण। ठीक है, इसी प्रकार देखिए इंग्लिश मीडियम जल्दी जल्दी, इसमें 2 आएगा, इसमें 25, इसमें 1, इसमें और इसमें आ जाएगा 60। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित में सत्य असत्य बताइए। तो 1/2 बड़ा है 1/3, तो ये सत्य है। फिर -4 बड़ा 1/2 असत्य है। फिर भाज्य बराबर भाजक प्लस शेषफल नहीं होता है ना, तो ये भी असत्य है, क्योंकि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल होता है। किसी घटना के घटित घटने की प्रायिकता 0 और 1 के बीच होती है, तो ये सत्य है। फिर प्रायिकता अभिप्रायों की कुल संख्या, कुल संख्या नीचे आती है ध्यान रखना आप है ना सूत्र में, इसलिए ये असत्य है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्रमांक 4, प्रत्येक का एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखना है। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक है ना, रैखिक बहुपद। फिर दूसरे में, तीनों पदों वाले बहुपद को कहते हैं त्रिपदी है ना, त्रिपदी बहुपद। फिर निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांट देता है, उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें चतुर्थांश कहा जाता है। ठीक है, चतुर्थांश। फिर अगला है, अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को कहा जाता है, तो मूल बिंदु, तो यहाँ पर मूल बिंदु लिख देंगे अपन। फिर अगला है, किसी चतुर्भुज के कोणों का योग, तो होता है 360 डिग्री, तो ये यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्रमांक 5, सही जोड़ी बनाइए, वर्ग की परिमाप, इसमें आ जाएगा सी वाला है ना, ये आपको ऐसे मिलाना नहीं है, आपको सामने आंसर लिखना है ना। फिर वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा डी वाला। फिर त्रिभुज की परिमाप, इसमें आ जाएगा तीनों भुजाओं का योग। और आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणित चौड़ाई। और लास्ट बचा आयत का परिमाप, तो 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्रमांक 6, बिंदुओं 0, 8 और -8, -5 के भुज व कोटि लिखिए। तो देखिए अथवा वाला मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि दोनों यदि बताऊँगा तो बहुत समय हो जाएगा, इसलिए आपको ऊपर वाला मैं आंसर बता देता हूँ। तो देखिए जो एक्स अक्ष रहता है उसको भुज बोलते हैं, और जो वाई अक्ष रहता है उसको कोटि बोलते हैं। तो इसका आंसर ये देखिए आप, ये यहाँ से नोट कीजिए आप। अब अगले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं अपन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण तथा शीर्षाभिमुख कोण को चित्र द्वारा समझाइए। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ बुक में जल्दी जल्दी।
तो ये देखिए आपकी बुक में न्यून कोण, सम कोण और अधिक कोण, और ये इनकी यहाँ पर परिभाषाएं हैं। पेज नंबर बता देता हूँ मैं आपको, 110 पर है ना। और एक और जो कोण था अपना शीर्षाभिमुख कोण, उसका चित्र और वो भी दिखा देता हूँ आपको, 111 पेज नंबर पर। ये यहाँ से लिखे है ना, 111 पेज नंबर पर। अब आगे बढ़ते हैं अपन, इसके अथवा वाला भी बता देता हूँ क्योंकि वो थोड़ा छोटा पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से इसके अथवा वाला भी लिख सकते हैं आप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका आंसर बताता हूँ मैं आपको, तो आप देख पा रहे होंगे एग्जाम्पल 7, 268 पेज नंबर पर है ना, 268। तो यहाँ से इसको नोट कर लीजिए आप। अब आप देखिए प्रश्न क्रमांक 9, 31 और 35 की निम्न सीमा और ऊपरी सीमा ज्ञात कीजिए। तो देखिए निम्न सीमा 31 हो जाएगी और ऊपरी सीमा 35 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख लेना, निम्न सीमा 31 और ऊपरी सीमा 35, ठीक है। या फिर वर्ग अंतराल भी निकाल सकते हैं आप, और वाला 41 में से 36 घटा देना ना, 41 में से 36 माइनस करके भी आप वर्ग अंतराल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 10 जो है वो बहुत ही आसान है, 1215 को 3 से भाग देना है, ठीक है। तो आप डिवाइड आसानी से कर पाएंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। ये इस प्रकार से देखिए, जहाँ भाग नहीं जाए वहाँ पर शून्य लगाना मत भूलिएगा, एक बार बस देख लीजिए इसको। अब देखिए अथवा वाला, -20 से बड़े दो पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो -19 और -18, ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 11 का हल मैं आपको सॉल्व करके कॉपी में बता देता हूँ जल्दी जल्दी। निम्नलिखित पर बहुपद 5x-4x² + 3x के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप ये देख पा रहे होंगे हल, एक्स बराबर 0 रखने पर, उसके बाद एक्स बराबर ये -1 रखने पर, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 12, इसका हल मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए प्रश्न क्रमांक 12 का हल आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 13 का हल मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ तक नोट कीजिए आप। इसके अलावा मैं आपको आगे बता देता हूँ, ये यहाँ तक, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 14, सरल कीजिए। ये तो आप आसानी से कर पाएंगे, फिर भी जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ। देखिए 3 × 2 = 6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। फिर यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 × 5 = 55, लेकिन माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 7 × 28, लेकिन माइनस है इसलिए क्या लग जाएगा, माइनस, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन। अब देखिए आपको उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप जोड़ भी सकते हैं इनको, बहुत ही आसान है ना। अब प्रश्न क्रमांक 15 का हल मैं बता देता हूँ आपको, का प्रसार कीजिए ना। ये देखिए 55 पेज नंबर पर उदाहरण 20 जो है वो वही सवाल है, या फिर मैं आपको हल किया हुआ भी बता देता हूँ। ये देखिए ठीक है, आप दोनों प्रकार से हल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 16, इसका हल मैं आपको बता देता हूँ, इसको कैसे हल करना है आपको। ग्राफ पेपर पर आप बना सकते हैं, या फिर एक एक सेंटीमीटर की दूरी लेकर आप कॉपी में भी बना सकते हैं इसको। तो ये आप देख पा रहे होंगे आपकी बुक में पेज नंबर 75 पर है ना ये क्वेश्चन। तो इसमें आपको है ना केवल 4 ही पूछे हैं इस टेबल में से ना, ये वाला भाग नहीं पूछा है ना, तो आपको इतना ही बनाना है, ठीक है। ये हटा देना है, ये वाला बिंदु नहीं बनाना है, ठीक है। बाकी इस तरह से आपको डोटेड में बनाना है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 17, इसका आंसर बता देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं। तो वीडियो रोककर स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी।
अब देखिए प्रश्न क्रमांक 18, इसका हल मैं आपको बुक में बता देता हूँ, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिएगा। आपकी बुक में जो प्रमेय 10.4 है, इसका हल है, देखिए मैं हल दिखा देता हूँ, वहाँ पर आपको क्यों हटाना है। ये देखिए पेज नंबर 209 पर आप देख पा रहे होंगे, OA बराबर OB, तो ये यहाँ पर आपको क्यों के स्थान पर लिखना है, वृत्त की त्रिज्या है ना, एक ही वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर। फिर AM बराबर BM, AM बराबर BM, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है ना, समान दो भागों में बांटता है। फिर OM बराबर OM है ना, ये उभयनिष्ठ है, इसलिए ये त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे ना, तो ये इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री सिद्ध हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 19, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 60 डिग्री का कोण बना लेना है, फिर उसे समद्विभाजित करने के लिए बिंदु यहाँ पर दे ही रखे हैं, देखिए इस प्रकार से आपको उसको दो भागों में विभक्त करना है, ठीक है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, तो उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के अंत में दे दूंगा है ना, तो वो भी देख लेना आप। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 20 का हल मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ से नोट कीजिए आप इसको। देखिए प्रश्न क्रमांक 21, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 है, तो इसका आंसर बता देता हूँ आपको, इसको आप यहाँ से नोट कीजिए। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 22, इसका हल भी आपको बता देता हूँ मैं, तो ये देखिए इस प्रकार से आपको दंड आलेख बनाना है, ये फर्स्ट में ऐसा दंड आलेख बनेगा और दूसरे वाले में राजनीतिक पार्टी ए ने अधिकतम सीटें जीती, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 23, इसका आंसर भी बता देता हूँ मैं आपको, तो आपकी बुक में 330 पेज नंबर पर उदाहरण 3 जो है, ये वहाँ पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा, देखिए ये पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्रमांक 24, दिए गए चित्र का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखिए बहुत ही आसान है परिमाप, इसको 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 और इसको जोड़कर आपको बता देना है, इसमें भी ये जोड़ना है, ये और ये है ना, इन सबको जोड़कर परिमाप बता देना है। फिर अगला क्वेश्चन है, या फिर आपको अथवा वाला भी कर सकते हो, तो ये कर लेना है ना, इसके भी दोनों सूत्र आपके ऑब्जेक्टिव में पहले ही आ चुके हैं ना, आयत का भी आ गया था और वर्ग का भी आ गया था है ना, तो ये दोनों सूत्र भी लगाकर आप ये कर सकते हैं, या फिर उन सबको जोड़कर परिमाप भी बता सकते हैं। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 25, निम्नलिखित का जोड़ ज्ञात कीजिए, ये भी आपको आता ही होगा, फिर भी देखिए जल्दी जल्दी मैं इनके आंसर भी आपको बता देता हूँ, ये इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 26 हल कीजिए, तो ये भी घटाना है, आप सब्ट्रैक्ट आसानी से कर सकते हैं और इसमें उलट गुणित करके सॉल्व करना है, ठीक है, तो आप आसानी से कर सकते हैं, यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो ये जल्दी जल्दी देखिए यहाँ पर देख लीजिए, इसको आप समान बना सकते हैं, तो देखिए 2×12 हो जाएगा, 6×6, फिर इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, 1/6 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड वाले में आप इसका उलट गुणित कर सकते हैं, तो देखिए ये तो सेम है, अपॉन में आ जाएगा और इसका उलट गुणित करेंगे, गुणित का चिन्ह लगा कर 48/6 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको 6×6, 6×12 हो जाएगा, फिर इसको 6 की टेबल से काट देना आप, तो 6×6 36, 6×8 48, ठीक है। फिर देखिए 8 को फिर 2×2 3×6, 2×8, फिर 2×4 2×8 और 3×1। तो यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो सारे अपने 9th क्लास वाले विद्यार्थियों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए, और यदि आपको इसमें प्रॉब्लम हो तो ये अथवा वाला भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।